जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेडल जो कि आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इनकी खूबसूरती के पीछे कितना खर्चा हुआ है और इतने जो एक मॉडल तैयार होती है उसकी ड्रेसिंग का खर्चा और उनके गेटअप का खर्चा कितना आता है, इन्हीं से जानते हैं। और आज एक इवेंट हुआ है फैसलाबाद के अंदर, तो आज ये एज अ मॉडल तैयार हुई हैं। आप भी देख सकते हैं कि कैमरा में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये ना समझिएगा कि इनके ये खूबसूरती मेकअप से हुआ है। बात करते हैं इनसे कि क्या कहना चाहेंगी और जिन्होंने इनको इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया है उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी तमाम लेडीज़ को? आज का इवेंट बहुत अच्छा है जी जी, और आपका तो पसीनों से सारा जो लगाया हुआ है ऊपर मेकअप वो ख़त्म हो रहा है, तो आज का फिर भी आप कह रहे हैं अच्छा है? लेकिन हम तो अच्छा कहेंगे ना, जाहिर सी बात है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब उन्होंने इतना अरेंज किया है तो अगर हम ये कहें कि बुरा है तो वेरी बैड। अच्छा आप बताइएगा कि आप इतना खूबसूरत तैयार हुई हैं, आपको तैयार करने वाली उनका वो कहते हैं ना कि शागिर्द के पीछे उस्ताद का बड़ा हाथ होता है, आपको तैयार करने के बिहाइंड पे उनका बहुत किरदार होगा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होगी। ये जो आप इतना तैयार हुई हैं, खूबसूरत लग रही हैं, इस पर अगर नॉर्मल लाइफ में तैयार किया जाए एक वूमैन को कितना खर्चा आता है? आई थिंक 1 मिलियन। 1 मिलियन, वो देखने वाले को हार्ट अटैक ना हो जाए कि इतना खर्चा एक सिर्फ औरत को तैयार या मॉडल को तैयार होने में लगता है। बिल्कुल सही है। आपके ड्रेसेस का या सिर्फ तैयार होने का? दोनों का। अच्छा लास्ट में जितनी भी वुमेन है, लेडीज़ हैं, आज का इवेंट हुआ है तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी एज अ मॉडल अपनी खवातीन को? मैं यही कहूँगी कि आए इंजॉय करें अपनी लाइफ को जी जी, और बस उसी हवाले से हमारे साथ जिन्होंने इनको तैयार किया है वो भी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे पहले बताइएगा कि आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यहाँ पे गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मॉडल सारी परेशान हो गई है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और तो कुछ नहीं कहना चाहते। वैसे बहुत अच्छा उन्होंने यानी कि किया है लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा आप बताइएगा कि आपने इन्हें इतना ज़्यादा खूबसूरत तैयार किया है और माशाल्लाह से खूबसूरत लग भी रही हैं और कमाल है आपकी ये हुनर है, तो आपने ये कितने अरसे में सीखा ये काम? मैंने थोड़ा सा टाइम में सीखा, तकरीबन 1 ईयर। मैंने सिर्फ जॉब की है, मैंने सीखा नहीं है जी जी। मैंने सरगोधा में सलोन से सिर्फ जॉब की है, बस देख के ही किया है, यानी कि किसी से मैंने सीखा नहीं है, ये खुद ही यानी कि। अच्छा अगर आपको आज हमारी वीडियो हज़ारों लोग देखेंगे, कोई कहेगा कि हमें भी इस तरह का तैयार होना है, तो क्या आप कोई अपना ब्रांच बनाई हुई या कोई अपना इदारा है जहाँ पे आप इस तरह की मॉडल तैयार करती हैं या कोई लड़की दुल्हन तैयार होना चाहे तो आप करवाती हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल करवाती हूँ, मेरे इधर गुलाम अहमदाबाद में हफ्सा ब्यूटी सलोन के नाम से है जी जी, गुलाम अहमदाबाद में सलोन है मेरा जी जी। लास्ट पे जितनी भी खवातीन हैं उनको आप एज आ अच्छी ऑनर हुनरमंद होने वाली लड़की और आपने इतना कमाल का हुनर है आपके पास, आपने इतनी खूबसूरती से तैयार की है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को? मैं तो बस यही देना चाहूँगी कि सब यानी कि बहुत अच्छा यानी कि अपना क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट करें, मेकअप दें अच्छा सा अपने, यानी कि अगर अपने हाथ में हुनर है तो अपने सलोन्स बनाएँ और वर्क करें। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मॉडल जिन्होंने आज तैयार हुए, जिनको जिन्होंने तैयार किया वो भी हमारे साथ मौजूद थी, इनसे गुफ्तगू की। अगर मज़ीद वीडियो हमारी अच्छी लगे और इनसे कोई तैयार होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इनसे आपका रब्ता भी करवाएंगे और इनका ऑफिस भी बताएँगे। तो जी नाज़रीन, इख्तिताम करते हैं, मैं आपका मेज़बान कलब अब्बास, इजाज़त चाहूँगा।